यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात शख्स ने 112 नंबर पर मैसेज करके ये धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सीएम योगी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इस मामले की जांच में जुट गई हैं। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506 और 507 आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। खबर के मुताबिक 23 अप्रैल की रात को 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। इस मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने उठाया, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लिया और तत्काल इसको बड़े अधिकारियों को सूचित किया। इस मामले में अब लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन ये धमकी देने वाला शख्स कौन है, पुलिस इस आरोपी का पता लगाना शुरू कर चुकी है। ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी गई हो। योगी सरकार के सख्त कदमों के चलते कई बार उन्हें इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। एक हफ्ते पहले भी उन्हें फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये फेसबुक पोस्ट बागपत के अमन रजा के प्रोफाइल से शेयर की गई थी। इस पोस्ट में भी सीएम योगी को गोली से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था।